तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको इनपुट यूनिट के बारे में ही पढ़ाऊँगी मतलब जो बाकी इनपुट डिवाइसिस हैं मैं आज आपको उनके बारे में बोलूँगी तो आ, आपको मैं बोलूँगी सबसे पहले माउस के बारे में जैसे कि आप सब ने पहले से ही सुना होगा कि माउस इस पॉइंटिंग डिवाइस ठीक है और ये ग्राफिक एनवायरनमेंट में यूज़ होता है ठीक है अब आप बोलोगे कि ग्राफिक एनवायरनमेंट क्या होता है जो आपने देखा होता है जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हम देख पाते हैं ना उसको ठीक है हम लोग उस, उसके मॉनिटर को हम लोग देख पाते हैं लाइक जो वहाँ पे होता है लाइक आइकन्स होते हैं या बाकी पीछे पिक्चर होती है तो हम उसको देख पाते हैं ना अच्छे से तो उसको हम कहते हैं ग्राफिक्स एनवायरनमेंट तो उसमें क्या होता है ये उसमें यूज़ होता है जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज़ टेन विंडोज़ एट विंडोज सेवन उसको हम कहते हैं ग्राफिक एनवायरनमेंट तो उसमें यूज़ होता है तो वा, 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 एंड अबाउट माउस आपको तो पता ही होगी उससे हम लोग इनपुट देते हैं ठीक है आप उसको मूव कर पाते हो फिर जो आपको इंस्ट्रक्शन देनी होती है लाइक अगर आपने कोई टैब ओपन किया हुआ है या आपने कोई फाइल ओपन की हुई है आपको आप वो इनफैक्ट ओपन करने के लिए भी आपको माउस आप माउस से ही वो ओपन करते हो करते हो ना उस पर डबल टैप करते हो या राइट right क्लिक करते हो आई मीन डबल क्लिक करते हो लेफ्ट साइड से या राइट right क्लिक करते हो और फिर ओपन पे लेफ़्ट क्लिक करते हो या स्क्रॉल के लिए आप जो बीच में होता है उसको वो गोल होता है वो आप उसको व्हील जैसा होता है आप उसको ऐसे करते हो अप एंड डाउन करते हो स्लाइड उससे क्या होता है उससे जो इस पर होगा मतलब आपके मॉनिटर पे होगा आप उसको आप उस टैब को आप ऊपर नीचे कर सकते हो या फिर आपको क्रॉस करना होगा फॉर एग्जांपल कोई फाइल ओपन की होगी आपने या आप कोई फोल्डर तो आप ऊपर वो क्रॉस पे जाते हो माउस का जो पॉइंटर होता है वो आप वहाँ पे ले जाते हो एंड देन यू लेफ्ट क्लिक करते हो तो वो बंद हो जाता है ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं जो माउस होता है हम इसके थ्रू जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को ठीक है तो आप लोगों ने देखा होगा वो वायर्ड होता है वो कनेक्ट होता है ठीक कनेक्ट होता है ना कंप्यूटर के साथ आजकल वो होता है वो भी बहुत कॉमन हो गया है वायरलेस माउस जो होता है कॉर्डलेस माउस होता है वो भी आजकल बहुत कॉमन हो गया है बहुत जगह यूज़ होता है ठीक है फिर आता है एक और इनपुट डिवाइस गेम कंट्रोल से हम कहते हैं ठीक है हम लोग उसे इनपुट देते हैं तो आपको आपने जो यह यहाँ पर आपको फ़ोटो दिख रही है आपको ये ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता होगी लेकिन आप लोगों ने देखा होगा ना जो वीडियो गेम्स हम लोग खेलते हैं ठीक है कंप्यूटर पे या प्ले स्टेशन पे ठीक है हम लोग देखते आप लोग ने होगा या मे भी किसी एड में देखा होगा वो था वो हम लोग के हाथ में उसमें वो कंट्रोल से कर सकते हैं ठीक है थीके? राइट लेफ्ट जाते हैं या मतलब जंप करते हैं उसी से ठीक है तो वो क्या इससे क्या होता है हम लोग इनपुट देते हैं ना ऑब्वियसली लाइक जंप करना या राइट और लेफ्ट मूव करना गेम्स में ये भी हम लोग इनपुट देते हैं ना तो उसको हम लोग गेम कंट्रोल कहते हैं मतलब जो गेम अंदर चल रही होती है उसको किससे हम कंट्रोल करते हैं इसी गेम कंट्रोलर से ठीक है तो इसमें भी जो होता है आ, इसमें हम लोग जो आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहा है ऊपर तो इसमें भी आप देख सकते हो ये जो है ये भी गेम कंट्रोलर है तो इससे क्या होता है हम लोग इनपुट देते हैं गेम में लाइक जैसे आप लोग आज खेलते हो गेम्स लाइक पबजी या फ्री फायर उसमें जो वो पर्सन होता है उसको आप उससे मूव कर सकते हो ठीक है आगे जाना होगा पीछे जाना होगा जंप करना होगा मतलब जो भी फंक्शंस होती है गेम में वो आप उसी गेम से कंट्रोल करते हो इसके नाम से ही पता चलता है कि ये क्या है गेम कंट्रोलर मतलब ये कंट्रोल करता है गेम में जो होता है ये उसको कंट्रोल करता है कि कैसे करना है फिर आता है उसके बाद स्कैनर आप लोगों ने देखा ही होगा आजकल तो बहुत हम लोग करते हैं प्रिंट करते हैं स्कैन करते हैं आप लोगों ने देखा होगा स्कैनर होता है ठीक है इनफैक्ट घर पर भी होता है स्कैनर तो उसमें क्या होता है इसमें क्या होता है हम लोग रखते हैं ना जो जिसको भी हमें स्कैन करना होगा वो हम उस स्कैनर में रख देते हैं फिर जो स्कैनर क्या होता है वहाँ से एक लाइट जैसे चलती है और जहाँ जहाँ से वो लाइट चलती है ना वो वहाँ वहाँ से स्कैन करता है ठीक है स्कैन करने के बाद वो मतलब जो हमने फोटो दी हो या कोई डॉक्यूमेंट दिया हो वो एग्जैक्ट वैसा ही जो है स्कैन करके हम लोग के स्क्रीन पे दिखाता है या सेव भी करता है ठीक है इनफैक्ट अगर हम चाहे उसको फिर उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं और वो एग्जैक्ट सेम कॉपी होगी ठीक है तो वो होता है स्कैनर ठीक है स्कैनर होता है जिससे हम लोग स्कैन करते हैं और फिर वो क्या होता है वो फिर जब स्कैन करता है स्कैनर तो वो ऑब्वियसली किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा ना तो वो जब स्कैन करता है तो वो फिर जाके वो जो फाइल हमने स्कैन की है तो वो स्कैन फाइल जो है वो जाती है कंप्यूटर में प्रोसेस होकर और फिर वहाँ पे सेव होती है आप लोग हम लोग कभी फ़ोटो भी स्कैन कर सकते हैं या हम लोग को कभी से, फोटो हम लोग के पास एक ही होती है हम लोग को उसकी बहुत सारी कॉपीज़ निकालनी होगी फिर से हम लोग क्या करते हैं तो उसको स्कैन करते हैं फिर फिर से उसकी कॉपीज़ निकालते हैं ठीक है या हम लोग के पास कुछ नोट्स होते हैं तो हम लोग को उनका ये करना होगा अब आप आपके पास लाइक स्कैनर है तो आप उसको स्कैन करते हो आपको सेव करना से है वो आपके पास हार्ड कॉपी है उसकी अब आपको वो कंप्यूटर में सेव करना तो आप कैसे करोगे आप स्कैनर यूज करते हो उसमें रखते हो वो डॉक्यूमेंट या नोट्स रखते हो उसमें वो स्कैन करता है फिर वो जो है वो उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है कंप्यूटर में सेव करता है ठीक है अब आता है और लाइट पेन ठीक है लाइट पेन जो क्या होता है ये पेन जैसा होता है शेप में और ये सेंसिटिव टू लाइट होता है सेंसिटिव टू लाइट क्या होता है मतलब जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये रिएक्ट करता है ठीक है मतलब आ, कोई आप लोगों ने देखा होगा कोई टैब होता है या कोई फ़ोन भी होता है जिसके साथ वो वो छोटी सी स्टिक जैसी होती है वही होता है मतलब लाइट पेन इससे क्या हम लोग करते हैं इससे भी हम लोग इनपुट देते हैं ठीक है थीके? आप लोगों ने देखा होगा जिसने देखा होगा ना वो 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 ऐसे ही होता है लाइक like, टैब टेट होते हैं और उसके साथ वो स्टिक फिगर जैसी होती है वो पेन होता है उसी को हम लोग लाइट पेन कहते हैं फिर उससे क्या कर पाते हैं उससे हम लोग ऑपरेट कर पाते हैं ठीक है जो ये टैबलेट होता है या फ़ोन होता है हम लोग इसको ऑपरेट कर पाते हैं हम लोग इसको मतलब सीधे टच करते हैं मतलब इसके स्क्रीन को इस पेन से जो है हम लोग उस टैबलेट या फ़ोन के स्क्रीन को टच करते हैं इस तरह से और वो इनपुट लेता है जैसे कि मैंने कहा आपको अपने कोई आपको फॉर एग्जांपल कोई ऐप ओपन करनी होगी तो स्लाइड पेन से आपको जैसे आप लोग फिंगर यूज करते हो ना फोन ऑपरेट करने के लिए वैसे ही ये लाइट पेन भी यूज होता है फिंगर ये सॉरी मतलब ऑपरेट करने के लिए क्या ऑपरेट करने, करने के लिए कोई टैबलेट या फोन ठीक है जैसे आईपैड में भी किसी ने देखा होगा उसमें भी होता है वो पेन होता है उससे वो मतलब लिखते हैं तो वो सेम हैंडराइटिंग लगती है जैसे कि हम लोग ने सीधे नोटबुक पे लिखा है वैसे होता है ठीक है तो उसी को हम लोग कहते हैं लाइट पेन ये लाइट पेन मैंने कहा ना हम लोग जब टच करते हैं स्क्रीन को ये क्या करता है जब हम उसको टच करते हैं तो ये सिग्नल भेजता है कहाँ सी पी यू में सी पी यू मतलब सी पी यू को पता चल जाता है कि इसने यहाँ पे टच किया है तो वो उस इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है और फिर वो काम करता है ठीक है वो फिर प्रोसेस करता है कि क्या करना होगा जैसे कि मैंने कहा आ, हम लोग को कोई ऐप होगी वो ओपन करनी होगी ठीक है फ़ोन में हम ये लाइट पेन जिस तरह से हम लोग फिंगर से करते हैं ना टच उस फ़ोन को सॉरी ऐप को कहते हैं तो वो ओपन होता है वैसे ही हम अगर इस लाइट पेन से करेंगे उसको टच तो वो ओपन हो जाएगा ठीक है तो ये किसी किसी में होता है किसी किसी टैबलेट या किसी किसी फ़ोन में होता है इस नॉट लाइक कि हम लोग कोई भी लाइट पेन ला कर किसी पे भी ये कोई भी नॉर्मल पेन लाएंगे किसी टैबलेट या फोन पर करेंगे नो इट्स ये होता है मैंने ना मैंने कहा ना सेंसिटिव लाइट होता है मतलब ये रिएक्ट करता है जब मतलब लाइट पे ही ये काम करता है ठीक है तो इसे कहते हैं लाइट पेट फिर आता है माइक्रोफोन माइक्रोफोन तो आप लोगों ने की ही होगी यूज़ माइक्रोफोन होती है जिसके हम थ्रू हम लोग इनपुट देते हैं ठीक है जैसे अब के एयरफोन में भी होता है माइक्रोफोन आप बात करते हो ठीक है तो आप एयरफोन के थ्रू बात अब बात करते हैं आप लोगों ने एयरफोन कनेक्ट किया होता है तो उसमें वो छोटा सा होता है माइक्रोफोन उसके थ्रू आप जो आगे वाला इंसान होता है जो आपसे बात कर होता है वो सुनता है ठीक है या आप लोग कभी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं मतलब आपको कुछ रिकॉर्ड करना होता है जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये कैसे हो रहा है माइक्रोफोन से जो मेरे फ़ोन में माइक्रोफोन लगी हुई है ये उसी मेरी आवाज़ जो है उसी के थ्रू सेव हो रही है मेरे फ़ोन में ठीक है वैसे ही अगर आपको या आप कभी कॉल करते हो किसी को आप कैसे देते हो या जैसे हम लोग आज देखते हैं कि वो गूगल Uh, करते हैं ना हम लोग होम पे टैप अपने स्मार्टफोन में देखा होगा फिर हम लोग करते हैं माइक्रोफोन वहाँ पे दिखाई होती है स्क्रीन पे हम उस पर करते हैं टैप तो वो फिर ओपन हो जाता है फिर हम मुँह से जो भी बोलता है ये फ़ोन को समझ में आ जाता है ठीक है तो फिर ये अपनी डिक्शनरी के हिसाब से वो वर्ड्स को देखता है लेकिन ये सुन पाता है हमें तो वो किस वजह से होता है वो इसी माइक्रोफोन की वजह से होता है तो वो ऑब्वियसली इनपुट है ठीक है फिर आता है वेब कैम ठीक है वेब कैम आप लोगों ने देखा होगा जैसे आप लोग वेब कैम तो आप लोग यूज़ किया ही होगा जैसे आप लोग जूम मीटिंग करते हो ठीक है फिर आपको कभी अपना वीडियो ऑन करना होता है मतलब आपको दिखाना होता है अपना फेस तो आप क्या करते हो आप ऑन करते हो ना कैमरा अपना तो लेकिन आप आपका टीचर देख पाता है फिर देख पाता है ना आपका फेस देख पाता है या उसको जो अगर आपको उसको नोट भी दिखानी होगी वो भी देख पाता है तो वो कैसे उसी वेब कैम की वजह से देख पाता है ना जो आपके लैपटॉप में लगा होता है कैमरा या आपके फ़ोन में लगा होता है कैमरा तो वही वेब कैम होता है ठीक है और इससे हम लोग जैसे कि मैंने कहा इंटरनेट होता है वेब वेब से ही हमें पता चलता है कि ये वेब है मतलब इंटरनेट के थ्रू हम लोग ये यूज़ करते हैं जैसे कि मैंने आपको कहा जूम के टाइम जो जूम मीटिंग होती है आपकी क्लास होती है तब आप यूज़ करते हो ये वेब मतलब अपना फेस दिखाने के लिए या नोटबुक दिखानी होगी आपको कैमरा के थ्रू तो आपका टीचर पता नहीं कहाँ बैठा होता है आप पता नहीं किस जगह पर बैठ फिर भी वो आपका फेस देख पाता है कैसे वेब की वजह से ठीक है तो आप वेब कैम के थ्रू अपना फेस जो है ये आप इनपुट देते हो उसमें ठीक है या आप, आप फ़ोटो भी ले सकते हो जो आप मतलब ऑनलाइन देखा होगा आपने मे बी किसी फॉर्म uh, में या कुछ वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे लाइव फ़ोटो दिखानी होती है ठीक है वहाँ पे लाइव फ़ोटो दिखानी होती है उनको तो वो भी क्या करते हैं वो वेब, वेब कैम यूज़ करते हैं फिर देखते हैं कि ये मतलब पर्सन जो है ये सच में वहाँ पर है या नहीं ठीक है इसके बाद आता है टच पैड ठीक है टच पैड आप लोगों ने देखोगा जो माउस में सॉरी जो ये लैपटॉप में होता है ना आगे कीबोर्ड के की नीचे होता है वो छोटा सा वो सेंसिटिव टच होता है वो सेंसिटिव टच होता है जब हम उसको फिंगर से ऐसे टच करते हैं तो वो मूव करता है हम लोग वहाँ पर ऐसे मूव करते हैं तो जो लैपटॉप की स्क्रीन पर होता है वो पॉइंटर जो होता है वो भी मूव करता है फिर हम लोग वहाँ पर फिर वन टैप करते हैं तो कंप्यूटर में भी वन टैप करते तो इसमें क्या होता है टच पैड में क्या होता है उसमें क्या होता है ये सेंस करता है ठीक है ये सेंस करता है हमारी फिंगर को और फिर जब हम ज, जिस जिस हिसाब से हम लोग मूव करते हैं फिंगर को उस हिसाब से वो पॉइंटर भी मूव करता है और फिर उसी हिसाब से वो इंस्ट्रक्शन भी लेता है लाइक हम लोग वन एक बार टैप करते हैं तो वो एक बार टैप हो जाता है ठीक है हम लोग डबल टैप करते हैं तो वो टू टाइम्स टैप हो जाता है ठीक है या हम लोग को ऐप ओपन करनी होगी कोई या फाइल ओपन करनी होगी हम उसी को पॉइंटर को मूव करते हैं उसी टच पैड की वजह से फिर जाता है किसी ऐप या किसी फाइल पे फिर वहाँ पे उसको ओपन करते हैं ठीक है थीके? तो वो होता है टच पैड ठीक है वो सेंस करता है हमारी फिंगर को हमारे मूवमेंट को या फिर उसी टच पैड को आप नीचे देखोगे राइट और लेफ्ट क्लिक होता है ठीक है वहाँ पे भी हम लोग उसको कहते हैं ना प्रेस वहाँ प्रेस करते हैं जैसे राइट क्लिक करेंगे तो लाइक किसी ऐप पे जाएंगे पहले लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो उस पर एक बार सेलेक्ट हो जाएगा फिर हम लोग राइट क्लिक करते हैं फिर वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको इसके साथ क्या करना है ओपन करना है सेंड करना है या मतलब बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है ठीक है फिर हम लोग जाते हैं फिर से मूव करते हैं फिंगर को उसी के ऊपर उस टच के पैड के ऊपर करते हैं मुंह ऊपर नीचे जहाँ पे हम लोग करेंगे करना होगा फोर एग्जाम्पल ओपन ही करना होगा या सेंड करना होगा उस पर हम लोग एक बार टैप करते हैं तो वो क्या हो जाता है या क्लिक करते हैं तो वो क्या होता तो है इंस्ट्रक्शन मिल जाती है प्रोसेसर को और वो फिर वही इंस्ट्रक्शन लेता है और प्रोसेस करता है मतलब वो फिर उसी हिसाब से फिर काम करता है जैसे मैंने कहा ओपन करना होगा तो वो ओपन करेगा ठीक है टच पैड के बारे में तो मुझे लगता है आपको पता ही होगा है ना मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर किसी ने देखा होगा मैं आपको बोलूंगी टच स्क्रीन के बारे में टच स्क्रीन क्या होता है आजकल आप लोगों ने मे भी देखा होगा कुछ कंप्यूटर्स या कुछ लैपटॉप्स आते हैं ना वो उनको हम लोग क्या करें हम लोग उनको स्क्रीन पे ही टच कर पाते हैं ठीक है थीके? जिसे हम लोग फिर हम लोग ओपन करते हैं ना जैसे कोई लैपटॉप आप लोगों ने लिया होगा वो क्या होगा उसका टच स्क्रीन होगा ठीक है तो जब हम ओपन करेंगे फिर हम जैसे हम लोग फ़ोन पे यूज़ करते हैं ना टच करते हैं ना फ़ोन को तो वैसे ही क्या होता है वैसे वो भी मतलब जैसे आप लोग फ़ोन का को करते हो ना ऑपरेट आप कैसे करते हो आप सीधे टच करते हो ऐप को ओपन करना होगा वैसे ही करते हो या क्लोज करनी होगी वैसे उसी हिसाब से करते हो वैसे ही जो होता है इसी को हम लोग टच स्क्रीन कहते है, थीके? हैं ठीक है जो फ़ोन होता है ना हमारे स्मार्टफोन्स हम उसको कैसे ऑपरेट करते हैं सीधे उसको होता है ना सो इसको हम बटन्स होते हैं या कुछ भी उसको सीधे होता है ये लाइक ग्लास जैसा होता है आगे डिस्प्ले होता है हम लोग को जो भी इंस्ट्रक्शन देने होती है हम लोग ऐसे ही सीधे टच करते हैं तो वो क्या होता है वो इंस्ट्रक्शन मिल जाती है प्रोसेसर को उस हिसाब से ओपन या क्लोज करता है या बाकी जो भी करना होगा काम वो करता है ठीक है तो या ऐसे ही होता है लैपटॉप्स में भी होता है या कंप्यूटर्स में भी होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग सीधे स्क्रीन को टच करते हैं और वो सीधे इंस्ट्रक्शंस मिल जाती है प्रोसेसर को इसने ऐसे टच किया इसको ऐसे ये काम करना है वहाँ पे ठीक है फिर आता है बार कोड रीडर बार कोड रीडर पता है क्या होता है आप लोगों ने आप लोग कभी गए हो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में हो किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में ठीक है वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं ना तो उन पर एक आप लोगों ने देखा होगा जो आप लोग लाइक चीज़ें लाते हो ना लाइक चॉकलेट लाते हो या बिस्किट लाते हो वहाँ एक बार कोड होता है ठीक है तो वैसे जब जब ये प्रोडक्ट किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाता है ना वहाँ पर क्या होता है ले जाने के टाइम वो लोग वो इंफॉमेशन उसकी स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर में ठीक है मतलब जब वो एंटर करता है ना मतलब बाहर से आता है ना पहले डिपार्टमेंटल स्टोर में किसी आ, होल सेलर से वो ले लाते हैं लाइक चीज़ें ठीक है बिस्किट्स फॉर एग्जांपल ठीक है, है? उन्होंने लाए ना तो वहाँ तब वो स्कैन करके रहते हैं ठीक है इसी बार कोर्ड से वो स्कैन करते हैं हम लोगों ने मतलब वो इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर में कि हमने कौन कौन सी चीज़ें लाई ठीक है तो फिर जब आप ख़रीदते हो ना वो तो वो जो होता है ना जो मतलब दुकानदार होता है वो इसी बार कोड रीडर से उठाता है वो जो अपने प्रोडक्ट लिया होता है वहाँ पे जो बार कोड होता है ना वो उस पर सीधे ले जाता है वो अपना बार कोड रीडर तो उसको जो है वो करता है ना एक बार उस पर क्लिक तो वो उसको सीधे जो है कंप्यूटर पे आ जाती है कि ये क्या है ये बिस्किट है इसकी प्राइस क्या है ये कितनी क्वांटिटी है ठीक है उसको वैसे ही आता है ये बार कोड रीडर क्या होता है ये उसी बार कोड को रीड करता है उसी बार कोड की वजह से इसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है उस प्रोडक्ट के बारे में तो मतलब इजी हो जाता है अब अगर देखो आप आ, कभी फॉर एग्जांपल दस नहीं मतलब बीस आइटम्स अपने लिए ठीक है उसको क्या करना पड़ता है देखना पड़ता है एक एक करके खुद ढूंढना पड़ता है प्राइस कहाँ पे है प्राइस चेक करना पड़ता है फिर उसको ऐड करना पड़ता है ना लेकिन बार कोडेटर से क्या होता है आप अगर बीस के जगह फर्टी आइटम्स भी लाओगे ना तो ये क्या करता है अगर आप फोटी आइटम्स भी लाओगे ना तो ये जल्दी जल्दी क्या करता है ये लोग सीधे बार कोड पर ले जाते हैं बार कोडियेटर को बार कोर्ड पर ले जाते हैं उनको वो उसकी सारी डिटेल जो है कंप्यूटर पर आ जाते हैं तो आप खुद सोचो फोर्टी आइटम्स को ऐसे पहले चेक करना कहाँ है प्राइस फिर देखना फिर और ऐड करना और फिर एज कम्पेयर टू दैट अगर हम लोग देंगे बार कोड रीडर से उससे क्या करना है सीधे बार को बार कोड को क्या करना है उसको रीड करने के लिए बार कोड रीडर जो है सीधे उस पर ले जाता है उस कोड पे तो उसको सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है किस पे कंप्यूटर पे एंड के वन टू थ्री जल्दी 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 ऐसे अप टू फोर्टी तो बस वहाँ पे एंटर कर देता है और उसको उसकी सारी मतलब आई ना सबकी इन्फॉर्मेशन उनकी प्राइस भी आ गई और फिर उसको ऐड कर देता है इनमें तो ईज़िली हो जाता है उसको उसका काम भी ईज़ी हो जाता है और आपका टाइम भी बचता है और कस्टमर का टाइम भी बचता है और सेलर का टाइम भी बचता है ठीक है ये होता है बार कोड रीडर इस बार कोड के रिलेटेड ऑलरेडी रखे होते हैं ना इन्फॉर्मेशन इन्होंने और आ, इसके बारे में आई इतना ही तो आपको आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा किसी और किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन होगा या क्वेश्चन होगा वो मुझे बोल सकता है या अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में और जानना होगा ठीक है या इनमें से किसी इनपुट डिवाइस के बारे में कुछ और जानना होगा तो आप मुझे बोल सकते हो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लगने में मैं आपको आउटपुट आप यूनिट पढ़ाऊँगी ठीक है तो इस वीडियो को केयरफुली देखिएगा कहीं पर भी, भी कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन हो प्लीज़ डू आस्क मी एंड किसी को कुछ और भी जानना हो इसके बारे में फ़र्दर जानना हो तो वो भी मुझे आप बोल सकते हैं ठीक है थैंक यू अल्लाह हाफिज़